अंडे का सालन हम लोग इस तरह बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन गया है और बहुत ही कम मसाले में हमारा ये तैयार हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग अंडा उबाल लेंगे। एक एक करके सब अंडा को इस तरह हम लोग रख लेंगे बहुत आराम आराम से। इसमें एक गिलास हम लोग पानी डालेंगे, पानी बहुत कम ही डालें, अंडा के नीचे ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाई फ्लेम पर इसको एक उबाल आने देंगे, खूब अच्छी उबाल आ जाए। अब इसे हम लोग लो फ्लेम कर देंगे। देखिए एक उबाल आ चुका है। लो फ्लेम करके इसे 10 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। ढक्कन ज़रूर रखें, उससे जल्दी हमारा पकेगा। ये हमारा ये ढक्कन हमने ये डाल दिया और ये फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया। 10 मिनट के लिए हम लोग छोड़ दिए। 10 मिनट हो चुका है, यह हमारा अंडा उबल गया है। अब इसको खूब अच्छी तरह ठंडे पानी से हम लोग धो लेंगे, नहीं तो ठंडा होने में हमारा टाइम लगेगा। ठंडा देखिए हो चुका है, हमने दो पानी से इसको धो लिया है। फिर एक एक करके हम लोग इसको छील लेंगे। सबको हमने छील लिया, देखिए अब एक एक करके हम लोग इसको जमा कर लेंगे। हम इसे दो पीस में इसे कट करेंगे। ये देखिए बराबर से हम लोग कट करेंगे, छोटा बड़ा ना हो जाए। सबको इस तरह चाकू से हम लोग कट कर लेंगे। एक एक करके सब हमारा कट जाएगा। अब इसे हम लोग थोड़ा सा तेल डाल के, बिल्कुल एक चम्मच, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे। जब हमारा खाना कम तेल कम मसाले में अच्छा टेस्ट दे रहा है तो बहुत ज़्यादा मसाला डालने की क्या ज़रूरत है। तो हमने ये देखिए थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक हाई फ्लेम पर हमने देखिए इसको इस तरीके से एक एक करके सबको एक साथ ही रख देंगे, हमारा फ्राई हो जाएगा। फ्राई हमारा इस तरीके से हाई फ्लेम पर कर लेंगे। एक एक करके देखिए सबको एक साथ रख सकते हैं, ये हमारा चिपकेगा नहीं, तो आराम से हमारा फ्राई हो जाएगा। ये देखिए हाई फ्लेम पर हम लोग इस तरीके का कर लेंगे। अब ये हमारा तैयार है। अब इसे पलट लेते हैं एक एक करके। इस तरह देखिए कितना अच्छा हमारा कलर है। बस इससे ज़्यादा कलर ठीक नहीं होगा, फिर हमारा ये ब्लैक हो जाएगा, तो हमारा ब्लैक नहीं होना चाहिए इस तरीके का। ये देखिए हमारा बिल्कुल ये तैयार है। अब इसको हम लोग निकाल लेंगे। अब प्याज से थोड़ा सा इसका ग्रेवी तैयार करेंगे। पहले सबको प्लेट में हम लोग निकाल लेते हैं, फिर इसी फ्राई पैन में हम लोग इसका ग्रेवी तैयार करेंगे। बहुत आराम आराम से इसको निकाल लीजिए। वैसे बहुत ही सख्त है, ये टूटेगा नहीं, फिर भी टूटने का डर होगा। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इसको निकाल लेंगे। ये हमारा निकल गया। बस ये हमारा मसाला है। देखिए प्याज, हरा धनिया का डंठल है, तेल लेंगे, उसमें ये मेथी दाना डालेंगे। ये हमारा मछली का टेस्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है, तो हम टेस्ट को चेंज कर रहे हैं, गरम मसाला नहीं डाल रहे हैं। सब मसालों में, सब सालन में गरम मसाला डालना ज़रूरी नहीं है। कोई कोई सालन बनाइए बिना गरम मसाले के। ये देखिए हमारा मेथी दाना कलर चेंज हो गया। फिर हमने ये पीसा हुआ प्याज और वो डाल दिया, नमक डाल दिया, थोड़ा सा हम लोग इसमें लाल मिर्च ज़रूर डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा हमारा तीखा नहीं हो जाए। अब हाई फ्लेम पर हम लोग इसको इस तरीके का भून लेंगे। भूने ज़रूर, भूनने में बहुत टाइम लगाएं, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर भूनेंगे, जब ये अच्छा टेस्ट हमारा आ पाएगा। तो फ्लेम को हम लोग अब मीडियम कर देंगे। हमारा ये देखिए एक गिलास पानी डालकर हमारा भून चुका है। हमने 10 मिनट लगा है इसको भूनने में। एक गिलास पानी हमने डाला है। हमें ग्रेवी थोड़ी सी थिक लग रही है, थोड़ा सा पानी एक गिलास और हम डालेंगे, इसलिए अंडा डलेगा। फिर ढककर 5 से 10 मिनट तक ये पकेगा, तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए हमने इसको भूनकर इस पानी को हमने सुखा लिया। जितना भूनेंगे उतना अच्छा इसका टेस्ट होगा।
ये देखिए हमारा इस तरीके का हो गया है। अब एक गिलास और पानी डालेंगे हम लोग, फिर अंडा डाल देंगे। ये हमारा तैयार है। अभी इसको हम लोग 5 मिनट लो फ्लेम पर पका लेते हैं, मसाला हमारा अच्छा से पक जाएगा। ये हमारा 5 मिनट हो चुका है। ये अब मसाला हमारा तैयार हुआ है, इतनी देर हमने भूना है उसे मीडियम फ्लेम पर। अब ये हमारा तैयार, अब इसमें ये देखिए अंडे को इस तरह हम लोग डाल देंगे। डालकर इसे मसाले के अंदर डालेंगे। ये देखिए मसाला ऊपर से थोड़ा थोड़ा लगा देंगे कि हमारे अंडे की लुक छुपनी नहीं चाहिए। अब इसे हम लोग 5 मिनट और पकाएंगे। ये 10 मिनट में हमारा तैयार होगा। 5 मिनट हो चुका है, 5 मिनट और पकेगा। अभी इसे ढककर पकाएंगे, अंडे में हमारा मसाला चला जाएगा। इसको ढक दिया, ये देखिए 5 मिनट में हमारा, ये देखिए कितनी अच्छी लुक है इसकी। नमक टेस्ट कर लें, हमारा नमक परफेक्ट है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।